चैनल राधे राधे। आप सभी को आज निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। आप लोगों को आज ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है और ये साल की बहुत बड़ी एकादशी होती है। आप लोग चाहे और व्रत रखें ना रखें, पर ये निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पर निर्जला नहीं रख मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप साधारण व्रत रख लीजिए, पर नमक ना खाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत ही फलदायी एकादशी होती है और मैंने भी रखा है, पर निर्जला अभी नहीं रखा है। मेरे घर में सभी लोगों ने रखा है पर निर्जला किसी ने नहीं रखा है। जब तक हमको रख लेता है हम तब तक रखते हैं। उसके बाद शरबत को पुण्य करके, सब चीज़ों को दान पुण्य करके, उसके बाद हम लोग भी पानी को पीते हैं और कुछ खाते हैं, बस यही होता है। पर ये 1000 गायों का दान करने के बराबर ये एकादशी मानी जाती है, इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। व्रत बहुत ही फलदायी देने वाला व्रत है। इस व्रत को जो कर लेते हैं उनका मन चाहे फल मिलता है। बहुत ही अच्छा माना गया है एकादशी का व्रत, क्योंकि ये निर्जला एकादशी मानी जाती है। तो ये 18 जून, आज 18 जून है, आज एकादशी बहुत बड़ी है और आप लोग भी इस व्रत को करें। और सारी चीज़ें दान पुण्य होती हैं, खरबूजे हैं, आम हैं, पंखे हैं, जिस पे जो चीज़ होती है वो दान करता है। आज के दिन बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसलिए आप इसको व्रत को करिए और अपने घर में साफ़ सफाई करें, फिर पूजा करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। बहुत ही अच्छा होता है भगवान का नाम लेने के लिए, तो बहुत ही फलदायी है ये व्रत। बहुत ही भगवान सबकी सुने, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बस राधे राधे। अब सबसे पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूंगी। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और फिर नहाने के बाद मैंने अपने मंदिर को साफ़ करा और मंदिर को साफ़ करने के बाद पूजा की व्यवस्था की। पूजा की व्यवस्था करूँगी, मंदिर आज जैसे सजाऊँगी। आज एकादशी है, सबसे बड़ी निर्जला एकादशी। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मंदिर मैंने कितना अच्छा सजाया, कितना खूबसूरत लग रहा है। सबको मैं टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद सबको मैं फूल भी अर्पण करूँगी और उनका थोड़ा देर उनका ध्यान करूँगी आज, क्योंकि आज बहुत बड़ी एकादशी है। मंदिर तो मेरा इतना प्यारा सजा हुआ है, आज प्यारा सजा है दरबार मेरे माँ का, इतना खूबसूरत। आज मुझे अपने मन में बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि मैंने आज मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया है। देख लिए बहुत बढ़िया सजा हुआ है मेरा मंदिर। ये प्लेट में मैं स्वास्तिक बनाऊँगी, खाली प्लेट अच्छी नहीं लगती है पूजा की, तो उस पर स्वास्तिक बनाऊँ। फिर फूल रखो जो बहुत ही अच्छा लगता है प्लेट में, मंदिर में रखी हुई प्लेट बहुत ही खूबसूरत लगती है। बस अब मैंने पूरा पूजा कर ली है, अब मैं अपने जो शिव जी को जो चढ़ाती हूँ वहाँ भी जाना है मुझको, वहाँ जाऊँगी। सारी पूजा हो चुकी है, ये देखिए फूल अर्पण कर रही हूँ। सारे भगवानों को फूल अर्पण करके ये देखिए एक एक करके अपने भगवानों का फूलों का अर्पण कर रही हूँ और उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है, भगवान सबको अच्छा जीवन देना, सबको जीवन में खुशियाँ देना, बस यही करना। प्रभु आपसे यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मनोकामना है। जय हो, जय हो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान का बहुत महत्व होता है, मतलब एकादशी का, एकादशी का जो भगवान विष्णु का अर्पण करता है उसका मैं फलदा ही होता है। अब मैं बस उनका अर्पण कर रही हूँ। हे प्रभु हे नाथ, सबकी करना मनोकामना को जय हो, जय हो, जय विष्णु भगवान की जय हो। हरे राम हरे कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय हो, जय हो। बस सारी पूजा हो चुकी है और मंदिर तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मंदिर खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइबर भी करें प्लीज़। बस आरती को मैंने ठंडा कर दिया है, उसके बाद मैंने अपने घर में टीवी चला लिया था। टीवी चलाने का उसमें भजन चला दिए थे, तो थोड़ा सा मैंने कहा गुनगुना रही थी, मैं मन ही मन में काम भी करती जा रही थी, तो मेरा टाइम भी इसी से पास होता। मैंने व्रत रखा है तो टाइम नहीं पास होता, इसलिए मैंने बस टीवी चला, भजन चला थी। इतना अच्छा लग रहा था घर में, जो लग रहा है कितना बढ़िया लग रहा है घर में, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए कहाँ का है, वृंदावन बरसाने का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्रेम मंदिर का है,
बहुत ही अच्छा लग रहा था। लोग नाच रहे हैं, गोपियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, नाच रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए राधा रमन गोपी हरि के नाम लेने के साथ नाच रहे हैं। गोविंद हरे, गोपाल हरे, गोविंद हरे। फिर मेरा भी मन करा कि मैं भी थोड़ा सा झूम लूँ। ये देखिए बस थोड़ा सा मैंने भी अपने आप को झूम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा झूमते हुए, क्योंकि मेरा पैर नहीं रुकता है जब भजन कीर्तन होता है। फिर मैंने संध्या आरती करी थी भगवान की। संध्या आरती करने के बाद फिर मैंने जो खरबूजा और आम और शरबत बना के रखा था वो उसका भोग लगाया, और फिर मैंने मंदिर में उसको दिलवाया लोगों को बांटने के लिए। फिर वहाँ मंदिर में ये सारी पूजा हो गई। अब मैं सारा जो सामान रखा था मैंने खरबूजा और आम उसका भोग लगाऊंगी। जय हो, कितना प्यारा सजा है दरबार, कितना प्यारा सजा है दरबार। अब ये देखिए आम खरबूजे मैंने रखे हैं भोग में, और ये शरबत बना के रखा है। भगवान का भोग लगाओ, प्रभु मेरा भोग लगाओ, भोग करो स्वीकार, स्वीकार करो हो। जय हो, जय हो, जय हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आज मेरा व्रत ये पूर्ण हो गया है निर्जला एकादशी का, और बहुत ही ज़्यादा फलदायी देने वाला है। जो इस व्रत को रखता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो जिस श्रद्धा से रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बस यह व्रत पूर्ण हो चुका है। अब हम लोगों ने कुछ प्लान बना रखा था कहीं जाने का, और हम लोग भोग लगा के ये मंदिर में भिजवा के उसके बाद हम लोग अब निकलने वाले हैं, कहीं जाएंगे। सरप्राइज़ है वो, आपको देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कहाँ जा रहे हैं सब लोग। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, बस निकल चुके हैं हम। और हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी लेने के लिए। बड़े बेटे ने गाड़ी खरीदी है, और बस अच्छा लगा आज उसने गाड़ी खरीदी, सरप्राइज़ दिया, बड़ा बढ़िया लगा। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए कितनी बड़ा सरप्राइज़, अच्छा लगा। बाय बाय।